इंदौर में कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण पाने के लिए जनता कर्फ्यू लागू किया गया है। वहीं दूसरे दिन भी इसका शहर भर में सख्ती से पालन देखने को मिला। इसी के चलते जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट भी शहर की सड़कों पर निकले और विभिन्न चौराहों पर जाकर चेकिंग का निरीक्षण किया। इसके साथ ही उन्होंने रीगल तिहारे पर वाहन चालकों को समझाइश भी दी। योद्धाओं के दम पे हम लड़ाई जीते, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वागत करता है सरकार के, आज जैसे योद्धा 300 लड़ाई हम जरूर जीते। आप पूरे शहर का भ्रमण कर रहे हैं, हर चौराहे चौराहे पे जा रहे हैं, आप लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। मेरा हाथ जोड़ के निवेदन ये है, जो आप जानते हो कि विकट परिस्थिति, विकट संकट, महामारी, बड़ा जो सुनामी कोरोना की आई है हमारे राष्ट्र में, हमारे मध्य प्रदेश में, हमारे इंदौर में, आप जानते हैं कि जो ये जनता कर्फ्यू है, मैं भाई और बहनों से आपके माध्यम से अपील करता हूँ, माँ की रक्षा करो, बेटे की रक्षा करो, स्वयं की रक्षा करो, परिवार की रक्षा करो, अपने घर में सुरक्षित रहो, मोहल्ले से बाहर मत आओ, घर से बाहर मत आओ, मल्टी से बाहर मत आओ, गांव से बाहर मत आओ, जो व्यक्ति जहाँ हुई, क्योंकि ये बड़ा युद्ध है, हमारे सामने जो दुश्मन है वो दिख नहीं रहा है। ये लड़ाई, इस युद्ध को हम संगठित होकर, मतलब घर में रुक कर हम इसको हरा सकते हैं। मास्क जरूरी है, उससे ज़्यादा वैक्सीन जरूरी है। मेरी आपसे प्रार्थना है, आपके माध्यम से, मुझे तो आपका भी सहयोग चाहिए, सरकार सम्माननीय मुख्यमंत्री निरंतर शिवराज जी चौहान जी निरंतर, एक दिन ऐसा नहीं जाता कि प्रतिदिन पूरे मध्य प्रदेश की जिले की समीक्षा करते हैं, और युद्ध स्तर पर सरकार इस संकट से निपटने के लिए लगी है।